हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं। आई थिंक ये हमारे एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 13.4 थी, सॉरी 4.4 एक्सरसाइज थी। 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपकी तरफ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी के जैसा सेकंड वन है इसका सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो 16x² - 20x जो पहले दो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही ये जो दो टर्म है इनको हम वैसे मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करने वाले, शुरुआत लिखेंगे 16x² - 20x + 9 होल अपॉन 8x² + 12x + 21 इज इक्वल टू 4x - 5 अपॉन 2x + 3 दैट विल बी इक्वल टू के। एक कांस्टेंट नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग के, और इन दोनों रेशियोज को जब हम सॉल्व करेंगे तब आंसर आ सकता है के का। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इन दोनों रेशियोज को। तो हमें करना क्या है कि इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे मल्टीप्लाई होने वाला है दोस्तों कितना, लास्ट टाइम भी हमने किया था ये। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं विद 4x, ठीक है। तो चलो इसको 4x से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4x। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये वाली साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड जो एज इट इज थी वहां पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो अब देखिए आंसर आएगा 16x² - 20x होल अपॉन, यहां पर भी वही मल्टीप्लाई हो रहा है, 8x² + 12x। देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो सेम सिचुएशन फॉर्म हो रही है ना। तो अब हम क्या करने वाले, अब डायरेक्टली इन दोनों टर्म्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। दोनों रेशियोज को जो है न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 16x² - 20x + 9, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन और ये ब्रैकेट में आने वाला है क्योंकि दोनों के साथ माइनस हो रहा है, दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव है। वैसे ही अगर अपॉन में हम लोग देखते हैं, अपॉन में होगा 8x² + 12x + 21 -8x² + 12x इज इक्वल टू के। चलिए नेक्स्ट स्टेप में वापस मैं जो फर्स्ट टर्म जो थे वो लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे होगा -16x² और +20x, नीचे क्या होगा, दैट विल बी 8x² + 12x + 21, यहाँ पे आ जाएगा -8x² - 12x। सो ऑपोजिट टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे जैसे कि यहां पे हो रहे हैं और आपके पास सिर्फ बच जाएगा 9/21 इज इक्वल टू के, जिसको आप डिवाइड करके लिख सकते हो 3/7। तो भाई के का वैल्यू जो है वो मिल चुका है 3/7। अब मैं वापस थोड़ा ऊपर आ जाता हूं और ये जो था या फिर ये जो रेशियो था इसको मैं वापस एक बार लिख देता हूं। तो मैं देखिए यहां पे लिख रहा हूं 4x - 5/2x + 3 दैट वाज इक्वल टू के, एंड नाउ के इज इक्वल टू व्हाट, 3/7। सो वी विल राइट 2x - 3 इज इक्वल टू 3/7। अब सीधे सीधे क्या करना है आपको, डायरेक्टली यू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। तो 4x - 5 एज इट इज, हियर इट विल बी 3, 2x - 3 और फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में होगा 28x - 35, यहाँ पर होगा 6x - 9। ट्रांसपोज करने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा ये
और माइनस नाइन के साथ आ जाएगा 35 साइन चेंज होके, तो हियर इट विल बी 22x, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, ये भी 22 होना चाहिए वैसे तो, नहीं 22 नहीं होगा, ये 26 होगा शायद, बट शायद हमने यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ कर दी क्योंकि ये +3 था, यहाँ पर मैं +3 कर देता हूँ दोस्तों, तो अब ये हो जाएगा 44। सो एक्स इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 22, क्या लगता है क्या आंसर आएगा? देखिए 2 आंसर आ चुका है। ओके चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग, दैट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, देन ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ए अपॉन ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देयरफॉर ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। फॉर्मूला क्या बनता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? बनता है ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल या ज्योमेट्रिक मीन। ओके सो इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं टेक्स्ट बुक से ही, देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है वहीं से सीधे सीधे एग्जांपल ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं मीन प्रोपोर्शन का। ठीक है तो देखिए यहाँ पे तो जैसे कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इफ एक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन, अब ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलरेडी गिवन ऑफ 25 एंड 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, तो यहां पे देखिए यहां पे जो ये बी दिया हुआ था, इट इज कंसिडर्ड एज द ज्योमेट्रिक मीन, तो यहां पे बी जो है इट इज नाउ कंसिडर्ड एज एक्स, एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला? बाकी के जो बचे हुए दो टर्म्स थे वो ए और सी हो जाते हैं। सो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था, बी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 इंटू 4। अब आपको ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4 विच इज 100, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 100, तो दोस्तों आंसर आने वाला है 10। ये देखिए आ गया आंसर 10, वही हम लोग चेक कर लेते हैं, ये रहा आंसर नंबर जो भी है। अब हम लोग सीधा क्या करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हम लोग ज्यादा एग्जांपल्स करते बैठेंगे तो ये लेसन कंप्लीट ही नहीं होगा, हम लोग आ जाते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 4.5 विच हैज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को भाई चुपचाप यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं उसकी सॉल्विंग। चल विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21 सो दैट रिमेन सो दैट द रिजल्टेंट नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है अब आपको ये तो मालूम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला था भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग फॉर इंस्टेंस अगर कंसिडर करते कि ये तीनों नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर होते तो हम लोग कौन सा नंबर माइनस करते? नंबर मालूम नहीं इसलिए हम लोग ले रहे हैं अब एक्स माइनस करने की काम कर रहे हैं। एक्स हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक नंबर में से और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, सो रिमेंबर दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, टेक ऑल दीज नंबर्स इन ब्रैकेट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई देम, वी हैव 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस एक्स। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, दिस इज 256 माइनस 32 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस वुड बी, डायरेक्टली सॉल्विंग में अगर लिख देता हूँ मैं इसको, तो 252 माइनस 33 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक दिस। सो वी विल डायरेक्टली कैंसिल एक्स स्क्वायर, वी विल शिफ्ट 32 ओवर हियर एंड 256 के साथ में आ जाएगा 252, सो माइनस 33 एंड प्लस 32 एक्स, बोथ एक्स विल गेट कैंसल्ड एंड माइनस एक्स वुड बी 4, सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4, सो वी हैव दैट नंबर विच इज
माइनस फोर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ओके, माइनस फोर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर सो दैट द रिजल्टेंट और द दीज नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो x इज इक्वल टू माइनस फोर इज द फर्स्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव दिस क्वेश्चन एंड आई विल डायरेक्टली पेस्ट इट ओवर हियर. हियर इट इज. If 28 minus x is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x, this is the mean proportion of, okay, remember that. So this would be the B, this would be A and this would be C. So it is very easy to solve this, क्योंकि formula हमें मालूम है, B square minus 4AC होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 minus x. So यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ये 4AC नहीं, यहाँ पे AC था सिर्फ. सो यहाँ पे 23 माइनस एक्स लिखे, देन वी हैव 19 माइनस एक्स, देन वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट सॉल्विंग दिस. दिस वुड बी 784 माइनस, आओ मैंने वो सॉल्व ही नहीं किया एक्चुअली. यहाँ पर 784 माइनस 56x प्लस एक्स स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू 437 और ये डायरेक्टली 42x और एक्स स्क्वायर. देखिए हमेशा एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है. 784 के साथ में माइनस होने के लिए 437 आ चुका है, 56 इधर आने के बाद पॉजिटिव हो गया और यहां पे हो गया 42x. सो दिस वुड बी 14x एंड ये जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 347. सो एक्स वुड बी इक्वल टू 347 डिवाइडेड बाय 14. ओके, सो आई थिंक इसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे ही हमें छोड़ना पड़ेगा. ये फाइनल आंसर है हमारा, ठीक है. इस तरीके से हमें ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था अभी, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन जो है दिस इज सेम एज दैट ऑफ द सेकंड वन. आप लोग कभी भी सॉल्व कर सकते हो इसके, ट्राई करो. अगर नहीं आता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू. इवन फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी सेम प्रोसेस में है. अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो चलिए देखते हैं उसको सॉल्व करके. फिफ्थ क्वेश्चन में तो ज्यादा कुछ डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिफ्थ जो है फोर्थ के जैसा ही है. चलिए हम डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए. फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये जो दो नंबर्स हैं इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है और चेक करना है कि भाई एबीसी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं. इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला फॉर्म होता है कि नहीं, हमें ये देखना है. चलिए करते हैं, ए को ए माइनस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद बी को भी, उसके बाद सी को भी. प्लस बी ए माइनस बी प्लस सी, उसके बाद में सी ए माइनस बी प्लस सी, और इस साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये हो जाएगा सी ए माइनस सी बी या बी सी, सेम होता है, ठीक है. ए स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, बी स्क्वायर कैंसिल नहीं, बी स्क्वायर नहीं हो सकता कैंसिल, हाँ सी स्क्वायर जरूर कैंसिल हो सकता है. तो जब बी स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर. देखिए bc और माइनस bc कैंसिल हो गए, माइनस ab प्लस ab कैंसिल हो गए, यहां पे बच गया 2ac. आ गया आंसर. सो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ऐसे आंसर आता है, ठीक है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था आपको और आंसर आ जाता है आपका. और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है. यहाँ पर आपको देखिए ये जो नंबर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करते जाइए. ये यहाँ पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो और राइट साइड में जो आंसर है वो चेक कर लो कि राइट आ रहा है या नहीं. कंसिडर करते हुए राइट आ ही जाएगा,
ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट दे आर इन, हमें सिर्फ शो करना है, शो करना है मतलब कि इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करना है। तो आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो इजी है। हम लोग जो है लास्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भाई आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारे एक्चुअली इतने दिनों से, इतने महीनों से जो ये लेसन चल रहा था ये फाइनली कंप्लीट हो गया, और ये सबसे बड़ा लेसन भी था जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज भी होती है बच्चों को सॉल्विंग में। कोई बात नहीं, मीन प्रोपोर्शन में है इन्होंने कहा है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये है ए और ये है सी, क्योंकि उन्होंने बोला है मीन प्रोपोर्शन पता करो इन दोनों नंबर्स का। तो इसका मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और ये ए और सी मल्टीप्लाई होंगे तो बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। मतलब कि ये जो दोनों नंबर्स है एक्स प्लस वाई, उसके बाद में हमारे पास में है एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको अगर हम और आगे सॉल्व करता हूं मैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो है, चलिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक बार और एक्स प्लस वाई एक बार, और फिर उसके नीचे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आ चुके हैं, देखिए दो ब्रैकेट्स एक्स प्लस वाई के दिख रहे हैं, विच मीन्स एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और नीचे आपके नीचे जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है आपको वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सीधा सीधा इसको रूट के बाहर निकाल लेते हैं और आंसर पता करते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है मतलब दो ब्रैकेट है, तो भाई एक ब्रैकेट कॉमन बन के आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई बाहर आ जाएगा, और ये है हमारा फाइनल आंसर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। दिस इज द फाइनल आंसर। विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड द लेसन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट ज्योमेट्री। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ इट वॉज यूजफुल टू यू और नॉट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।